दमण में भीमपुर उच्चतर विद्यालय में आज शिक्षकों को शिक्षा के नए तकनीकी तरीके सिखाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें दमण के सभी शिक्षकों ने अपनी हाजिरी दी। गांधीनगर से आए हुए प्रवक्ता ने सभी टीचर्स को नई तकनीकों से अवगत कराया और बताया कि कैसे सभी टीचर्स इन नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सभी छात्रों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। यह कार्यक्रम 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम में शिक्षकों को विद्यालय में बने नए मॉडर्न क्लास में बिठाकर प्रशिक्षण दिया गया। गुजरात राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर थी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक तज्ञ टीम आज दमण 5 दिवस तारीख 10 थी 14 5 दिवस विषय वस्तु की तालीम आपवा माटे आज आवी छे। 5 दिवस नी अंदर परिणाम सुधारणा एसएससी और एचएससी बोर्ड में विषय में परिणाम सारूँ आए, नवा अभ्यासक्रम में एमनू माळखू अने विद्यार्थी सारा में सारूँ परिणाम बताई सके एटला माटे 33 मार्क कई रीते लावा, 66 मार्क कई रीते लावा, 99 मार्क कई रीते लावा, ए 5 दिवस की तालीम में जुदा जुदा गुजरात ना जे तज्ञों छे ए दमणना शिक्षकों ने तालीम आपे छे। केटलाय टाइम थी तालीम आपे छे, आ वर्षनी तालीम छे नवा विषय ने संदर्भे छे अने दमणना शिक्षकों ज्यारे तालीम लेशे अने तालीमनो एमना वर्ग में एप्लाय करी अने सारा में सारूँ शिक्षण प्राप्त करे ए संदर्भे दमण एज्युकेशन विभागे तालीम गोठवी छे। ए तालीमनी अंदर आजे आजना प्रथम दिवसे भीमपुरनी अंदर तालीम शुरू थई रही छे। ए संदर्भे आजे शिक्षकों खूब सरस रीते वर्गनी अंदर विषयवाइज तालीम मेळवशे। हाँ, हूँ एक केआरपी तरीके आजे दमण खाते शिक्षकों ने 5 दिवस ट्रेनिंग माटे उपस्थित थयो छूं। अहीं 5 दिवस दरमियान शिक्षकों ने टी थ्रू यानी कि टेक्नोलॉजी थ्रू टीचिंग ए संक्षेप मुजब तेमने टीचिंग करवामां आवशे। तो उपरांत शिक्षणनी अंदर जे नवी प्रविधिओ दाखल थई छे तेनो पण तेमने परिचय थाय ते माटेनुं पण टीचिंग आपवामां आवशे। ते उपरांत शिक्षणमां टेक्नोलॉजीनो व्याप केम वधे, खास करीने मोबाइलनी अंदर जे रीते छेल्ला वर्षोमां એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ થયો છે ત્યારે એપ્લિકેશન દ્વારા પણ વિદ્યાર્થીઓ ઘણું બધું શિક્ષણ મેળવી શકે છે। આ દિશામાં પણ શિક્ષકો પહેલ કરે તે ખૂબ જરૂરી છે। આજે વર્ગખંડની અંદર એક બ્લૂટૂથ સ્પીકર છે, મોબાઈલ છે, તેનો પણ વિનિયોગ કરીને શિક્ષક સારામાં સારું ઉચ્ચ કક્ષાનું શિક્ષણ વિદ્યાર્થીઓને આપી શકે છે। તે દિશામાં શિક્ષકોએ શું કરવું જોઈએ, આ માટે તેમની કેવી તૈયારી હોવી જોઈએ, તેમને કઈ રીતે અપડેટ્સ થવાનું છે, એવી વિવિધ બાબતોની ચર્ચાઓ, પેનલ ચર્ચાઓ, ધ્યાન કેન્દ્રિત ચર્ચાઓ અને એ ઉપરાંત જૂથ ચર્ચાઓ, વિવિધ પ્રકારની જે એક્ટિવિટીઝ છે, પ્રવૃત્તિઓ છે, પ્રોજેક્ટ્સ છે, તેના માધ્યમ દ્વારા અમે અહીંયા શિક્ષકોને માહિતગાર કરીશું અને તેઓ દમણ ખાતે ટ્રેનિંગ લઈને દમણ સંઘનું શિક્ષણ ઉચ્ચ કક્ષાએ જાય, ક્વોલિટીવાળું બને તે દિશામાં પ્રયત્નો થાય તેવો અમારો એક પ્રયત્ન રહેશે। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो प्लीज YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। रुक, मुझे आने दे, फिर शुरू करते हैं। एक बार से कुछ नहीं होता। होने को ना एक ही बार काफी है, सुरक्षा का ख्याल रखना, आदत है मेरी। गिरा, गिरा, गिरा। अच्छी आदत है। चल चल जल्दी कर, 5 मिनट का तो काम है यार। एक बार हेलमेट नहीं पहना तो क्या आफत आ जाएगी? अगर आ गई तो आदत है यार। आदत आदत। देखा, बोला था ना, अच्छी आदत है। अरे देखना कितना मजेदार वीडियो है। अब मैं रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली, तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना, अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। शुक्रिया, मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूँ पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो एचआईवी एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है, इसलिए कॉन्डम हर बार। एक अच्छी आदत। ज़्यादा बीमारी रहता है तो पैसा नहीं है ना सर, फिर हमारा ज़मीन रहता है तो बेचना पड़ता है, उससे भी आगे नहीं हुआ तो हमारे पास कुछ आगे का है ही रास्ता है ही नहीं। मेरा आदमी गुजर गया, उसको सर कैंसल हुआ था, ऐसे तकलीफ था ना, पैसा वैसा कुछ नहीं था।
हमारा चाचा का लड़का का ब्रेन में ट्यूमर हुआ था, अपना जो भी है वो बेच के उसको इलाज कराना पड़ेगा, मरने थोड़ी ना देगा। सेविंग तो पूरी खत्म हो ही जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर इंसान को बचाना है तो कहीं से कर्जा लेके भी आदमी करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, वो कर्जा बढ़ता है और आदमी पूरा कर्ज के बोझ में दब जाता है। ऐसे करोड़ों परिवार हैं जहां आर्थिक कमी के कारण स्वास्थ्य सुरक्षा एक बड़ी समस्या है, एक बड़ा बोझ है। लेकिन अब नहीं, भारत सरकार ने ऐसे करोड़ों परिवारों को खुशियां लौटा दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इस योजना में देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत बीमा योजना में सभी वंचित भारतीय परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा हर परिवार को हर साल दिया जा रहा है, जिनका नाम सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है। सर, उसमें मुझे कैसे पता चलेंगे कि सरकार ने योजना बनाई और उसमें मेरा नाम है? आपका नाम वंचित परिवार की सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है कि नहीं, ये आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर देख सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत जे लोगों ने, जे लाभार्थियों ने आ योजना नो लाभ मिले से, ये शिवाय पण जेनी आवक मर्यादा 1 लाख करता वधु से, एवा संघ प्रदेश ना नागरिकों माटे पण आ योजना में लाभ लई शकाशे। आशा राखू छू कि आप पण आ योजना नो लाभ लेशो, साथे साथे आ योजना अंतर्गत तमाम लाभार्थियों ने उत्तम स्वास्थ्य ने मंगल कामना करी शुभकामनाओं आपू छू। दमन दीव एवं दादरा व नागर हवेली के दूसरे निवासी परिवार जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है, वो भी केवल 1700 रुपए प्लस टैक्स सालाना भरकर इस योजना से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। मेरा परिवार तो बहुत लंबा चौड़ा है, यह योजना जो है जो एक घर के किसी एक सदस्य को लेना है कि हर हर व्यक्ति को लेना है। इस योजना में 5 लाख का बीमा हर साल हर परिवार को मिलेगा, चाहे परिवार में कितने भी सदस्य हों और किसी भी आयु और लिंग के हों। साथ ही इस योजना का लाभ पूरे देश में पोर्टेबल है। आप योजना की सूची में लिखे किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान भारत बीमा योजना की सूची में दिए गए हॉस्पिटल्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। हमारे घर में तो पहले से ही लोग बीमार है, ये योजना का लाभ उसको भी मिलेगा। बिल्कुल, अगर परिवार के किसी सदस्य को पहले से भी कोई बीमारी हो तब भी पहले दिन से उसकी बीमारी पर बीमा लागू होगा। साथ ही आपको स्वास्थ्य की सभी सेवाएं कैशलेस दी जाएंगी, यानी आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। इलाज के बाद अस्पताल का बिल सीधा बीमा कंपनी भरेगी। अस्पताल में भर्ती होने से पहले और अस्पताल छोड़ने के बाद के इलाज पर होने वाले खर्च भी बीमा में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहेब तेमज प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी आ योजना जे हमारे गामडा में आवी जेमने थी अमे सारी रीते इलाज करी सके छे बीमारियों नो, तेथी एमनो धन्यवाद, मैं हाथ जोड़ीने एमने आभार व्यक्त करिए छे। हर देशवासी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े, क्योंकि स्वास्थ्य की सुरक्षा आपके और आपके अपनों की है और साथ भारत सरकार का है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए 24 सितंबर को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराएं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क करें।